कहाँ से कमाया जाए भाई पैसा, हम तो थक गए हैं यार सोच सोच के, पर पैसा ही नहीं आ रहा है। दुनिया जो है ना ये पैसे से देखती है तुम्हें, तुम पैसा कमाओगे ना तो तुम्हारी खूब इज्जत है, मतलब इतनी इज्जत है कि तुम सोच नहीं सकते। रोमांटिक मौसम हो रहा है, पर क्या करे इस रोमांटिक मौसम का, लड़की तो है ही नहीं अपने पास। Hey, good morning guys, कैसे आप सब, लगता है आप सभी बड़ी होंगे, आप सभी का बड़ी होना हमारी वीडियोस को लाइक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, देखो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है। तो अभी बज रहे हैं भाई सुबह के 4:30, तुम्हारा भाई सुबह के 4:30 बजे क्यों उठा है तुम्हें, ऐसा लग रहा होगा भाई क्यों उठा है क्यों उठा है। भाई मैं सोया ही नहीं हूँ यार, उठूँगा तो तब ना जब सोऊंगा। तो अभी नहा धो के इसलिए रेडी हुई कि भैया मेरा एक शूट है, और शूट के लिए भाई देखो अभी तो फिलहाल पूरा कैमरा वैमरा रेडी कर लिया है मैंने, और बैटरीज वैटरीज चार्ज करके हम निकलेंगे शूट के लिए। शूट अपना गुड़गांव में, और शूट है डीकैथलॉन से रिलेटेड, कुछ एक इन्फ्लुएंसर का शूट है, तो वहाँ चलते थोड़ा बहुत दिखाएंगे वहाँ का, बाकी आज का पूरा दिन दिखाएंगे आपको कि कैसा है, क्योंकि पूरा दिन तो लगभग सोने में जाएगा, एंड में आपको वर्कआउट देखने को मिलेगा अच्छे से अच्छा, और थोड़ा बहुत बातें। तो भाई रेडी रहो, मतलब शॉर्ट शॉर्ट में आपको मज़ा दिलवाएंगे आज ठीक है। और ये है डेली व्लॉग, मतलब डेली लाइफ स्टाइल या कुछ भी कह लो उसका पार्ट टू, तो देखते रहो। हाँ जी, तो गाइस निकल चुके हैं अपना, और भाई अभी पहुंच जाएंगे फटाफट यहाँ पे 25 मिनट में, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, खाली खाली में ना फटाफट पहुंच जाएंगे, तो वहाँ देखते चल के शूट की क्या है कंडीशन। अगर 20 में करने को मिला ना शूट वूट, तो आपको भी दिखाता रहूंगा कि भाई कैसा है, मतलब क्या है। वो मैराथन नहीं हो रही थी जो डीकैथलॉन वालों की, तो उससे रिलेटेड कुछ शूट है एक इन्फ्लुएंसर का, मेरी नॉन इन्फ्लुएंसर का, तो वो कवर अप करने जा रहे हैं हम, तो देखते हैं चलो आपको भी दिखाते हैं। तो भाई आज ना मेरा ना मन है भाई आज बहुत सेंटी सेंटी बातें करने का, तो भाई आज ना एक बात करता हूँ। मैं ना एक वीडियो देख रहा था भाई, इसमें ना कि दिखा रहे थे कि भाई अगर कोई वुमेन छोटा सा बिजनेस या गोलगप्पे वोलगप्पे अगर कोई बिजनेस करती है कोई वुमेन, तो भाई उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं, और उसे शी इज वर्किंग हार्ड, शी इज स्ट्रगलिंग, शी इज डूइंग वेल, ये सब उसको उपाधि दी जाती है, मतलब उसे बोला जाता है कि भाई हाँ आप कर रहे हो अच्छा। और अगर यही कोई मैन अगर गोलगप्पे का स्टार्टअप कर रहा है, भाई तुम सोचो कि अगर तुम एक मर्द हो और अपने माँ बाप को जाके बोलते हो कि मुझे गोलगप्पे की रेहड़ी का स्टार्टअप करना है, जबकि वो एक अच्छा बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, 70% प्रॉफिट है उसमें, ठीक है, अगर अपने माँ को जाके बोलते तो माँ बाप क्या बोलेंगे, महन जो नकारा है क्या, क्या कर रहा है, क्या क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में, ये सब करने के लिए रखा है क्या तेरे को तुम्हें वो। और अगर तुम ये सब करते भी हो, जैसे कि आजकल रेडी वाले हैं, जितने भी मतलब जितने भी ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, गरीब है, ये फेल्ड मैन है, उसको उपाधि आती है, ही इज अ फेल्ड मैन इज इन हिज लाइफ, फेल्ड मैन, भाई सोचो मतलब कि उसे बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है कि भाई फेल्ड मैन है तो तेरा क्या है, समझ रहे हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई ये दुनिया जो है ना ये पैसे से देखती है तुम्हें, तुम पैसा कमाओगे ना तो तुम्हारी खूब इज्जत है, मतलब इतनी इज्जत है कि तुम सोच नहीं सकते, बेफालतू की भी इज्जत है, रियलिटी बता रहा हूँ। और ये आज बॉडी बना लेते हैं, सबको बॉडी बनाने का शौक है, अच्छी बात बनाओ, मैं भी बनाता हूँ भाई, मेरे को भी बहुत शौक है, पर उससे ज्यादा शौक है मुझे पैसे कमाने का, क्योंकि भाई बॉडी एक बार आपकी खत्म हो गई ना तो भाई कोई नहीं पूछेगा, कोई लड़की नहीं पूछेगी जो बॉडी के साथ आपकी बॉडी से अट्रैक्ट होकर आपके पास आ रही होगी ना, वो आपको पूछेगी भी नहीं, जिस दिन आपके ऐप चले गए दूसरे लौंडे के पास चली जाएगी, ये रियलिटी है, सैड रियलिटी है, जो भी तुम्हें मानना हो मान लो। तो भाई पैसा कमाओ, क्योंकि पैसा कमाओगे ना तो हर चीज टिकेगी तुम्हारे पास लाइफ में, यही सच है, समझ आई या समझ आई तो भाई मान लो इस वाली बात को, और इसी बात पे इस चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दो फटाफट। तो गाइस पहुंच गए हैं ये जगह, तुम भी याद रखना और मैं भी याद रखता हूँ, क्योंकि यार इन पार्किंग में भूल जाते हैं, तो फटाफट चलते हैं भाई शूट के लिए। This is the Google event.
हम आए हुए थे गूगल के ऑफिस, ये देखो भाई ऑफिस नहीं बहन चो, पता नहीं क्या ही है भाई, ये महल जैसा सा है पूरा, ये वाली बिल्डिंग भी पूरी गूगल की है। तो भाई देखो जी घूम रहा है जी, गूगल मस्त है भाई, बिल्कुल बढ़िया जगह यार, मतलब मजा ही आ गया इसे देख के। तो हाँ जी, तो गाइस अंधेरे में निकले थे, दिन हो चुका है और शूट हो चुका है खत्म। तो भाई अपना शूट था गूगल के साथ था, और क्या कहते हैं भाई शूट था, मतलब उनके जितने भी एम्प्लॉयज नहीं होते गूगल के, तो उनका मैराथन था। तो मैं एक क्रिएटर के थ्रू इनवाइटेड था, मतलब लाइक उनको कवर अप करने के लिए, तो कवर ववर किया अपना बढ़िया ओके, और बढ़िया शूट करके अब जा रहे घर। देख लो सुबह 4 बजे का शूट था, तो उठने के लिए अब उठते कैसे सुबह 4 बजे, तो सोए नहीं तो भाई चलो कोई नहीं, सोए तो नहीं सोए, अब जाके सो जाएंगे भाई। देखो जिंदगी ये होता है स्ट्रगल, ये होती है मेहनत ये आलस होता है बेसिकली भाई। अब जल्दी सो जाते तो जल्दी उठ जाते, पर जिम से ही 12:30 बजे आए, तो 4 घंटे की नींद में तो अपना क्या ही होना है, कुंभकर्ण वैसे ही हम। तो भाई चलो जो भी है, चलते हैं अब घर की ओर, और 24/7 से देखते हैं कुछ खाने का मन किया तो खा लेंगे, वैसे भी रेस्ट चल रहे हैं अपने। और ये देखो ड्राइव, ये होती है सुबह दिल्ली की ड्राइव, खाली, ओए ओए ओए, हौले हौले हौले। हाँ भाई अब देखो, अब सोऊंगा 8 बजे, तो कब उठूंगा भगवान जाने, तभी व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। मौसम देखो गाइस, क्या रोमांटिक मौसम हो रहा है, पर क्या करें इस रोमांटिक मौसम का, लड़की तो है ही नहीं अपने पास, किससे हो रोमांटिक, लड़की तो होनी चाहिए पर मौसम जिस बात का डर था वही हुआ भाई, आके हम फैल गए, हम सो गए और मैं शाम को उठा भाई। अब मैं थोड़ा सा काम करने के लिए निकला अपने ऑफिस का, तो वो काम वाम निपटा के फिर घर जा रहा हूँ, मील बनाऊंगा सुबह आके। वैसे मैंने पीनट बटर और ब्रेड खाई थी, 4 पीनट बटर ब्रेड, फिर बीच में उठा फिर मैंने रोटी खाई, रोटी खाने के बाद फिर अब मैं जाके 15 अंडे खाऊंगा, 15 अंडे और राइस वो खाते हैं, और फिर जिम चलेंगे, जिम से आके भी फिर 15 अंडे और राइस अपना कंज्यूम करेंगे। अभी थोड़ा सा प्रोटीन से गैप ले रखा है जानबूझ के यार, कुछ मतलब जब आप रेगुलरली बहुत सालों से कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा गैप भी देना चाहिए, तो मैंने 1.5 महीने से प्रोटीन का गैप दे रखा, प्रोटीन इनटेक भी कम कर रखा है, क्योंकि मुझे थोड़े से गैस्ट्रिक इशूज भी हो रहे थे, मतलब थोड़ा सा डाइजेशन में भी इशू हो रहा था। तो भाई बहुत लंबे टाइम से आई वॉज ऑन 220-240 grams ऑफ प्रोटीन, तो थोड़ा सा अभी 150-160 पे चल रहा हूँ, ताकि आराम आराम से भाई थोड़ा रेस्ट भी देना चाहिए ना बॉडी को। सो गाइस ऑफिस में बैठ चुके हैं, और आज मेरा क्या है एंचो, चलो जिस टाइम ब्लॉग कर रहे थे उसी टाइम आ जाते हैं। हाँ तो मैं कह रहा हूँ अभी आज हमारा लो प्रोटीन डे है और हाई कार्ब्स डे है, मतलब कार्ब बहुत हाई रहेगी, तो आज कार्ब्स हैं पूरी सारी मील्स में, कार्ब्स है, प्रोटीन बहुत ही कम है। और भाई मैं वो सुबह वाली बात थी ना मेरी, जिसमें मैं कहता हूँ पैसा कमाऊँ, सच्चे में पैसा कमाना चाहिए भाई, मेरे पास भी नहीं है यार, मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि भाई पैसा कमा लूँ, पर यार पता नहीं कम ही नहीं रहा यार, मैं क्या करूँ समझ ही नहीं आता मुझे, तो कहाँ से कमाया जाए भाई पैसा, हम तो थक गए हैं यार सोच सोच के, पर पैसा ही नहीं आ रहा। तो भाई रेडी हो चुके हैं फटाफट, और अब चलते हैं जिम, हमने खाया है यार, पता है ऑफिस में ना मैं लेट हो गया बैठा, बज गए 8, और 8 बजे मैं अपने अंडे वंडे बनाने बैठता तो फिर तो हो जाती जिम मेरी आज। तो मैंने फटाफट पीनट बटर ब्रेड बनाया, 3 ब्रेड और उसमें पीनट बटर लगा के अपना खा लिया, और खा के अब फटाफट जिम जाना, जिम में आज हम करेंगे चेस्ट और बैक फुल तोड़ फोड़, फुल हैवी। तो चलो भाई जिम आके वार्म अप हो गया है अपना, और अभी कर रहे हैं हम फ्लैट बेंच प्रेस, और जिस पर PR मार के देखते हैं, मतलब यार बहुत दिनों बाद मैं हैवी मारूंगा फ्लैट पे, तो देखते हैं कितना लगता है आज। मेरे हिसाब से 110 तक तो लग ही जाना चाहिए, 100-110 तक, 120 लग गया तो भाई भगवान मेहरबान है हम पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्कआउट, और भाई अभी वार्म अप यार पंप देख सकते हो। Yeah.
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज, आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और अब से मैं ऐसे ही दिल की बातें वाला जो पार्ट है ना, इसको ऐड करता रहूँगा और इस सीरीज़ को मैं नाम दे रहा हूँ अ पार्ट इन अ डे, ऐसे कुछ मतलब आपको टाइटल में दिख जाएगा। तो भाई ये अनदर डे इन लाइफ का दूसरा एपिसोड है और ऐसे ही मैं एपिसोड्स को कुछ कंटिन्यू करने वाला हूँ देखने के लिए कि भाई कैसा रिस्पांस मिलता है। तो दूसरे एपिसोड को लाइक करना मत भूलना, लाइफस्टाइल दिखाऊंगा और आप भी इंजॉय करो, मैं भी इंजॉय करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, बाय बाय।